नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर LHTV इंडिया की एक नई वीडियो में। मौसम को लेकर अभी एक ताजा खबर निकल कर आ रही की यूपी वेदर रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में दिन में उमस और रात में सर्दी का एहसास। उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित अब भी कई राज्यों में मौसम विभाग ने जारी की बारिश की भविष्यवाणी। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी कि क्या है उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों से मौसम को लेकर ताजा अपडेट। तो चलिए जानते खबर को विस्तार से। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि मानसून की विदाई के बाद मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है। दिन में उमस और रात में सर्दी महसूस होती है। वहीं दिन में अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, वहीं लेकिन न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तक रात में पहुँच जाता है। नोएडा, गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं दिन में तेज धूप हो रही है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस बने रहने की उम्मीद है। गोरखपुर, वाराणसी में दिन में धूप और रात में ठंड का अच्छा खासा एहसास हो रहा है। यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान यहां 18 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। इसी बीच मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। यहां हवाओं की रफ्तार 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसी बीच तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय और उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्य ऐसे हैं जिनमें एक दो स्थानों पर हल्की कई मध्यम बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। इसी बीच पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली NCR में भी छिटपुट कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इसी बीच मौसम को लेकर एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही कि मौसम विभाग के अनुसार मिजोरम के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण कोमोरन क्षेत्र पर है और समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। ताजा पश्चिम विक्षोभ आज रात से उत्तर पश्चिम भारत के पास पहुँचने की उम्मीद है। इससे आपको बता दें उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। हालांकि लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान सर्दी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जोरदार दस्तक दी है। ठंडी हवाएं चलने की वजह से तापमान भी गिरा है। फिलहाल अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले 24 घंटे तक ऐसी स्थिति रहेगी। अगले 24 घंटे से मौसम बदलने के आसार नजर आ रहे हैं, यानी तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक और गिर सकता है। फिलहाल मौसम की मॉनिटरिंग की जा रही है। वीडियो के अंत में अगर बात करें मथुरा, आगरा, चित्रकूट, हाथरस, आजमगढ़, गोंडा में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आज गाजियाबाद, हापुड़ और नोएडा में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान यहाँ 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताज़ातरीन मौसम की खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल LHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।